हे गाइस, दिस इज संजय और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप आसानी से सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करके आसानी से इजीली ड्राइंग कॉम्पिटिशन में कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। साथ में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक न्यू ब्रांड सॉफ्ट पेस्टल कलर। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। सो ये हमारा प्रोडक्ट है जो आया है अमेजोन से। मुझे ये पड़ा 190 रुपीज़ और मैंने अपने एड्रेस में इसे मंगाया। सो ये आया तो अच्छा है और चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ हुआ क्योंकि ये सॉफ्ट पेस्टल है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है। सो हम लोग कुछ इस तरह से इसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो ये हमारा प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने बाय किया है अमेजोन से। सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, पीछे की ओर गंदा है थोड़ा सा। सो चलिए हम लोग इसे जल्दी से देख लेते हैं चारों ओर। सो अब मैं जल्दी से इसके रैपर को जल्दी से निकाल लेता हूँ और देखता हूँ अंदर में कि सॉफ्ट पेस्टल किस तरह से है, कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है। सो कुछ इस तरह से हम लोग इसे जल्दी से ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और जल्दी से हम लोग इसे ओपन करके देखते हैं कि किस टाइप से इसका पैकिंग है। सो सेफ्टी के लिए इसने आगे से यहाँ पे दिया है। सो अंदर में देख लेते हैं कहीं हमारा पेस्टल डैमेज तो नहीं है। सो यहाँ पे कुछ डैमेज है थोड़ा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना डैमेज हो चुका है क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेवल के कारण कुछ डैमेज हो चुका है इसमें। सो अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पेपर, जो कार्टेज पेपर है या चार्ट पेपर जो थिक आता है, वन साइड रफ एंड वन साइड प्लेन, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और साथ में ढेर सारी कॉपियाँ इसकी आती है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप से इसमें टेक्सचर है, रफ किस टाइप से है और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम लोग इसे यूज़ करके देखेंगे इसका क्वालिटी किस टाइप से है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस टाइप से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्काई कलर को और कुछ इस तरह से यूज़ करने के बाद यूज़ करेंगे हम लोग अपने हैंड को, कुछ इस तरह से रब करेंगे साइड साइड में। हम लोग हमेशा इसे लाइट टू डार्क करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। और एक बार मैं इसे यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ और ढेर सारे पेंटिंग्स जो मैंने इसे यूज़ करके बनाया है सो वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ज़रूर एक बार बाय करें और यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम लेगा आपका। अगर आप ड्राइंग कंपटीशन में बैठेंगे या आप वहाँ पे बनाएंगे ड्राइंग तो बैकग्राउंड में इजीली से आप इसे यूज़ करके कुछ मिनटों के अंदर आप बैकग्राउंड को अच्छी तरह से भर सकते हैं। उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा एक अच्छी सी पेंटिंग, स्वच्छ भारत की पेंटिंग में मेरी खुद की, और मैंने इसे बहुत सारे पेंटिंग में यूज़ किया है स्पेशली इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। सो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ अपने इस बैकग्राउंड में और ये इजीली से ब्लेंड हो जाता है आसानी से हाथ से। और आप चाहे तो इरेजर भी यूज़ करके इसे साइड साइड में इरेज कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट मैं इसलिए इसे प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि आप इसे यूज़ करके आसानी से बैकग्राउंड में अच्छी तरह से कर सकते हैं, स्पेशली जब हम लोग वाटर कलर करते हैं या पोस्टर या एक्रेलिक करते हैं तो हम लोग को उसे घिसना पड़ता है और उसके लिए हम लोग के पास टाइम भी नहीं होता और साथ ही साथ उसे सूखने भी देना होता है। सो इसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। इसके लिए एक फिक्सेटिव आता है जो इसे इसमें चिपकाए रखता है स्प्रे करने के बाद। सो ये सब सारे मटेरियल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो ये सारे पेंटिंग्स मैंने इस सब पेस्टल को यूज़ करके बनाया है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव देन प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस पाना चाहते हैं जो आपको मदद करेगा ड्राइंग कंपटीशन में देन प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, कमेंट करें अपने व्यूज़ और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ढेर सारे वीडियोज़ आपको ऐसा ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।